हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 8.4 का। तो 8.4 में आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। आपकी क्वेश्चन में कहा है ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं एंगल के, आपको उसे कन्वर्ट करना है सेक में, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। इन सभी का आंसर आपको सेक लाना है। तो उसके लिए सबसे पहला रूल हमारा ये कहता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। पर हमें तो आंसर साइन का लाना है, ये तो दोनों आ गए, तो क्या करेंगे, कॉस को पहले पीछे लेके जाएंगे। क्लियर? तो हम लिखेंगे यहाँ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? हमने प्लस को पीछे ले गए माइनस के साथ। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस के फॉर्मूले को आपको कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है? हमारा रूल ये कहता है कि जो कॉस होता है वो क्या होता है, वन अपॉन सेक होता है। फॉर्मूले में तो हमारा यही आता है ना, तो हम उसी को कन्वर्ट करेंगे कि कॉस की जगह पर वन अपॉन सेक रखेंगे। लेकिन अगर कॉस में स्क्वायर लिखा है तो वो सेक में भी आएगा। ठीक है, अब दोनों के बीच में माइनस है तो एलसीएम निकाल देंगे आप। एलसीएम क्या, सेक स्क्वायर है, वन से इंटू होगा, तो आपका यहाँ आ गया माइनस वन। क्लियर? जो आपका आगे साइन लिखा था, आप इसका स्क्वायर कैंसिल करने के लिए, फर्स्ट रूल में भी यही बताया था, स्क्वायर कैंसिल करने के लिए इस पे रूट लग जाएगी। जब रूट लग जाएगी तो नीचे वाला तो सिंगल हो जाएगा लेकिन ऊपर वाला में रूट रह जाएगी। तो वो कैसे, ये देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस वन, इस पर अंडर रूट रह गई लेकिन नीचे वाले पे सिंगल, इसकी स्क्वायर हट गई, कैंसिल हो गई। तो ये किसका आंसर आ गया आपका, साइन ए का। सिंगल में साइन ए पूछा है तो सिंगल में ही बताएंगे, कोई स्क्वायर का मतलब नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला भी यही कहता है कि साइन का आंसर सेक में कन्वर्ट कर दिया। राइट? अब बात आती है दूसरे की। साइन का तो हमने आंसर निकाल दिया, अब किसका निकालेंगे, कॉस का निकालेंगे। तो कॉस के लिए कॉस का फॉर्मूला हमारा है कॉस ए। अभी रूल ही बताया था कि कॉस ए वन अपॉन जो कॉस है, हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो कॉस हमारा क्या बनता है, सेक बनता है। ये इसका आंसर आ गया, इसको कुछ करना ही नहीं है। साइन के बाद किसकी बारी आती है, कॉस की। तो कॉस तो होता ही फॉर्मूले में वन अपॉन सेक। आप इसका रीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन सेक। जो रूल अभी अभी आपने यहां किया ना, वही चीज है, सेम एज इट इज। क्लियर? यहाँ स्क्वायर था तो सेक में स्क्वायर डाल दिया, बट यहाँ नहीं है तो नहीं डालेंगे, रूल तो यही कहता है। अब हम कॉस के बाद करेंगे टेन, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक होता है। ठीक है, लेकिन हमें टेन प्रूव करना था तो वन प्लस हो रहा है, पीछे जाके माइनस हो जाएगा। राइट? सेक स्क्वायर ए माइनस वन, टेन आपके पास स्क्वायर हट जाएगी और इस पे रूट लग जाएगा। ये आपका आंसर आ गया टेन का। क्लियर? टेन के बाद आती है बात कॉट की। कॉट ए, कॉट ए का आंसर ही क्या होता है, आप जब कॉट का फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे वन अपॉन टेन। यहाँ स्क्वायर लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि टेन सिंगल का आंसर ही आप लिख सकते हैं। ये 8.1 में समझाया था कि कॉट होता है वन अपॉन टेन के, इसलिए मैंने यहाँ सिंगल लिया। राइट? अब टेन का आंसर जो आपका आया है आप उसे ही लिख देंगे। ये कॉट ए का आंसर आ गया आपका। अब बचा क्या, लास्ट बचा आपका कॉसेक। कॉसेक ए को भी आप वन अपॉन साइन लिखेंगे,
क्योंकि साइन कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉसेक का अपोजिट होता है और टेन कॉट का, तो इन सभी को एक दूसरे के अपॉन करके हम लिख सकते हैं। कॉसेक सिंगल लिया क्योंकि साइन भी सिंगल था, क्योंकि हम साइन का आंसर निकाल चुके हैं, जिसका आंसर निकाल चुके हैं सिंगल में तो उसे सिंगल से ही शो करेंगे, स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। अब वन अपॉन साइन, साइन का फॉर्मूला अभी अभी आपने बताया कि साइन आपका जो साइन का आंसर आया था आपका क्या आया था, sec square a minus 1 sec a, वही लिखेंगे पूरा। ठीक है, रूट ऊपर ही रह गई, नीचे से हट गई, उसका स्क्वायर भी हट गया। अब साइन की जगह हमने साइन का पूरा आंसर कर दिया, रेसिप्रोकल करने के लिए जब sec a को 1 से इंटू करेंगे तो ये चीज ऊपर चली जाएगी और ये यही नीचे रहेगी। ये 1 से इंटू हो गया और ये रूट में रह गया, ये आपका आंसर। ठीक है, इन क्वेश्चनों में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि साइन जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक लिखा जाता है। ये वैसे तो 8.1 में समझाया लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं एक बार, कॉस ए 1 अपॉन सेक लिखा जाता है, जो टेन है आपका 1 अपॉन कॉट लिखा जाता है, और एक और लिखा जाता है कि साइन अपॉन कॉस। लेकिन हमने इसे इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसको यूज़ नहीं करना था, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और इनका अपोजिट होता है कॉसेक 1 अपॉन साइन बन जाएगा, सेक आपका 1 अपॉन कॉस बन जाएगा, कॉट आपका 1 अपॉन टेन बन जाएगा। तो यही इसका अपोजिट होगा, सेम फॉर्मूला इसी को पैटर्न करके मैंने सभी जगह अपॉन भी समझा दिए और फॉर्मूला आपको पहले ही समझा दिया। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बाय।